हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल में एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन, जो पहला आपका टॉपिक है नाउन। नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आज के इस वीडियो में हम आपको कवर करने वाले हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा नंबर लाना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि सर कम्युनिकेशन स्किल पे वीडियो बनाइए। तो चूंकि हमने बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन की जितनी भी पार्ट्स हैं वो हमने कवर कर दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हमने कवर कर दिया है। अब बारी है एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर की। आपके जो सिलेबस है उसमें केवल चार ही आपको पढ़नी है पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, जिसमें नाउन वाला जो लेशन है वो आज हम स्टार्ट करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपको नाउन दिया गया है, और नाउन चैप्टर जो ये नाउन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में हम आपको कवर कराने वाले हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल, मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो दो नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इन सब से। जो एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर है इससे दो दो नंबर के दो प्रश्न या फिर तीन प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, तो इससे जो तैयार करना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका है, और ध्यान रहे कि जो पेपर आएगा वो टोटली आपको इंग्लिश में लिखना है। पहले वाला जो है वो एफसी नहीं है, जो कि आपको हिंदी में भी चलेगा। ये जो है वो पूरा कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट जो है वो पूरा आपको एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर का जितना भी पार्ट है और कम्युनिकेशन स्किल का जितना पार्ट है, यानी कि टोटल कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट का पूरा पेपर आपको टोटली इंग्लिश में देना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहेंगे कि गिव द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो नाउन की परिभाषा कुछ इस तरीके से है कि ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एग्जाम्पल राम, दिल्ली, पेन, ईटीसी, ठीक है। तो ये तो आप जो है वो पिछली छोटी छोटी कक्षाओं में जो है पढ़ते आ रहे होंगे कि नाउन की परिभाषा क्या है, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हिंदी में हुआ। और ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एग्जाम्पल राम, दिल्ली, पेन, ईटीसी। ये सारी चीज़ें हैं नाउन के अंतर्गत, आप छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब जैसे ये चीज़ें हो गई, अब राम हो गया, राम के अंतर्गत एक सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं कि राम वेंट टू दिल्ली, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि दिल्ली इज़ द बिग सिटी, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, या फिर छोटी छोटी आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि राम, दिल्ली, पेन, ईटीसी, ये सारी, और सेंटेंस के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आपकी जो मर्जी होगा वो आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, तो देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। आपको पांच नाउन के पांच प्रकार को पढ़ने हैं इस जो है वो आपके सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये सारे जो पार्ट्स ऑफ नाउन हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है, ठीक है। कॉमन नाउन का हिंदी में मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा हिंदी में जो है वो इसे एक्सप्लेन कर दें कि जिस नाउन में किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वह कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बर्ड्स फ्लाइंग, हॉर्स ईट्स ग्रास, सी रीड ए बुक, और ट्रीज आर वेरी यूजफुल, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर आप इंग्लिश में डेफिनेशन याद करेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी ईजी भाषा में यहाँ लिखा गया है कि ए कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास, काइंड और ग्रुप, एग्जाम्पल बर्ड, ग्रास, बुक, ईटीसी, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कि ए कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास, काइंड और ग्रुप, एग्जाम्पल बर्ड, ग्रास, बुक, ईटीसी, ठीक है। यानी कि जिस नाउन से किसी व्यक्ति जिस नाउन से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, और एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका कि वाट इज ए प्रॉपर नाउन,
प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन को हिंदी हिंदी में जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या है? तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, एग्जाम्पल अशोका, मुंबई, गंगा, ETC। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो वह प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि अभी आपने अशोका देखा, यहाँ पे ये एग्जाम्पल इसमें अशोका देखा, तो इसको आप लिख सकते हैं कि अशोका वाज ए ग्रेट किंग। ठीक है, तो इसमें जो अशोका होगा वो आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से इन सब चीज़ों पे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप जो है एग्जाम्पल देंगे। नेक्स्ट है आपका डिफाइन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? इसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसी टाइप के दो दो नंबर के क्वेश्चन आपका ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर से। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को इंग्लिश में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन को सबसे पहले हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स ग्रुप्ड टुगेदर एज वन वॉल, एग्जाम्पल टीम, क्लास, आर्मी, ETC। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जिस नाउन से समूह का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है, वह कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे टीम दिया है, तो टीम यानी कि इंडियन टीम प्लेड वेरी वेल, यहाँ पे एक समूह का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करेंगे, व्हाट इज ए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा इसे हिंदी में कहते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम गिवेन टू मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड, एग्जाम्पल मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, ETC। ठीक है, इसे जो है वो पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि जिस नाउन से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन जाए, यानी कि जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके, वह मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे आपका है, आपका क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें आपको मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल के रूप में लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन ये क्या है? ये भी आप सभी के लिए, ये जितने दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, काउंटेबल नाउन की तरफ आते हैं, तो काउंटेबल नाउन क्या है कि नाउन विच कैन बी काउंटेड टू टेल देयर नंबर आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ऐसा नाउन जिसे हम जो है वो काउंट करने के लिए, नंबर्स को काउंट करने के लिए करते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बर्ड्स, ट्री, बुक, ये सब चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? तो नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जो ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे टू बंडल ऑफ ग्रास। ठीक है, इसे जो है वो हम गिन नहीं सकते, इसमें बहुत सारी ग्रासेस आएंगी और एक एक पत्ती को गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। फिलहाल एक लाइन आपको परिभाषा लिख के एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल दे देंगे तो दो नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या है? कि ए नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। ठीक है, जैसे टेबल, बॉय, मैन, ETC। ठीक है, यानी कि ए नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन और थिंग, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए जो है वो अगर नाउन स्टैंडिंग करता है तो उसे जो है वो हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर कहेंगे। और व्हाट इज ए प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होता है? कि ए नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पीपल, पर्सन और थिंग, यानी कि एक से अधिक पर्सन और थिंग्स के लिए अगर वो नाउन स्टैंड करता है तो वो उसे हम प्लूरल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब जैसे बॉयज हो गया, टेबल हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो आपका
प्लूरल नंबर के अंतर्गत आती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। और आप सभी से दोस्तों एक शिकायत है कि आप हमारे मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उस पर टारगेट है दोस्तों कि आप सभी का सपोर्ट चाहिए। और अगर हम आपको जो है वो मेहनत करके आपकी क्लासेस रेगुलर दे रहे हैं तो आपका भी ये दायित्व तो बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें। तो जाइए अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोटिवेशन चैनल का लिंक दिया है, जाइए जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनकी वीडियोज़ को सभी देखिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये सारी वीडियोज़ जो है वो मोटिवेशन वाली कैसी लग रही हैं। ठीक है, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मुझे पता चल पाए कि ये स्टूडेंट आए थे और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।